Question number 91. If you all can see, diagram shows below two coils A and B are placed parallel to each other. This is the concept of mutual induction. Coil A is connected to an AC supply. If you can see over here, there is an AC alternating current ka supply. And that alternating current ka supply, which is there, is supply. So kya hoga yahan par? Whenever current will change, ye to band hai, magnetic field will change. And that magnetic field will be linked with the secondary coil. And whenever there is change in flux in the secondary coil, what is induced? EMF is induced in the secondary coil, and because of that, the current will be induced over here. Barabar, which will be opposite to the direction of the main current. Ye aapko pata hai, pehle kar chuke hum log. अच्छा और एक चीज यहाँ पे दिया है कि G is a very sensitive galvanometer. What does galvanometer do, Nishka? Galvanometer measures what? Current. Deflection of current. Deflection of current. Current जाएगा तो deflection बताएगा. Very good. When the key is closed. तो क्या आंसर है? आंसर क्या है? ये थोड़ा अजीब है. आंसर ही अजीब है. मतलब it is not based on मुझे आप एक बात बताओ क्या यहाँ पे चेंज होगा ये एसी है एसी का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है एसी का फुल फॉर्म क्या होता है ऋषि बाल से एसी अल्टरनेटिंग मतलब कंटिन्यूसली करंट चेंज हो रहा है करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो व्हाट विल चेंज फ्लक्स विल चेंज यस और नो हेलो बोलो एंड व्हेनेवर फ्लक्स विल चेंज व्हाट विल बी इंड्यूस्ड Yeah, man. So can I say continuously if the current is changing, the field will change and what will happen? Flux will change and what will be induced every time? EMF. So can I say EMF is induced when? Always. But yahan par. So can I say AC input voltage ke wajah se EMF induced तो होगा EMF induced की वजह से galvanometer will show deflection बराबर क्या हेलो यस सर galvanometer is going to show deflection but they have used the word sensitive मतलब क्या sensitive है sensitive मतलब क्या थोड़ा भी कुछ करते हैं तो deflection बताएगा ना अरे यार if I tell you Rishi Balse is very sensitive मतलब क्या उसको थोड़ा चिल्लाएंगे तो वो रोना शुरू कर देगा है ऐसे नहीं है यू आर नॉट सेंसिटिव आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल बराबर क्या तो सेंसिटिव मतलब क्या छोटी सी फ्रीक्वेंसी पे भी इट विल शो डिफ्लेक्शन ना हेलो यस और नो सो दिस इज द आंसर गेटिंग इट या डोंट फील बैड ना ऐसे तो एग्जांपल आई कीप ऑन गिविंग तो ऐसे कुछ वो नहीं है ठीक है क्लियर है ना ये नीट में आ चुका है सवाल इसलिए क्वेश्चन नंबर 92 आप लोग ही अभी ये देखो यार ये लास्ट लेक्चर है आप लोग ही बताओ क्या हो रहा है अ मैग्नेट इज ड्रॉप डाउन ऑन एन इनफाइनाइटली लॉन्ग वर्टिकल ट्यूब ये ऐसे वर्टिकल ट्यूब है जो इनफाइनाइटली लॉन्ग है मतलब इट इज गोइंग टिल इनफिनिटी और यहां पर एक मैग्नेट को मैंने ड्रॉप किया क्लियर क्या होने वाला है महक की कांस्टेंट लोग ही आंसर करते हैं महक आर यू देयर यस सर हां यू आर देयर बराबर ओके महक व्हेन इट फॉल्स डाउन बेटा यस सर ये फेस क्या बन जाएगा स्टार्ट में व्हेन दिस फॉल्स डाउन दिस इज नॉर्थ पोल इज अप्रोचिंग बराबर है यस सर सो दिस फेस ऑफ द कॉइल दिस फेस ऑफ द दिस ट्यूब इज बिकमिंग व्हिच पोल नॉर्थ बनेगा बराबर यस ओके नॉर्थ पोल बनेगा मतलब दिस इज गेटिंग एक्सेलरेटेड और डी एक्सेलरेटेड डी एक्सेलरेटेड ये रिपेल हो रहा है ना बेटा यस दैट मींस ए ओवर हियर इज लेस देन जी पहले इट वाज अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी तो जी 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 यस नाउ जैसे यहां पे ट्यूब लगा दिया वैसे ए विल बिकम लेस देन जी नाउ इट इज गोइंग इनसाइड नाउ लिसन टू मी केयरफुली नाउ दिस इज गोइंग इनसाइड अब सुनो हाँ कहानी सुनो क्या हो रहा है
अच्छा दे आर टेलिंग दिस इज अ वर्टिकल कॉपर ट्यूब. कॉपर मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय दिस कॉपर? कॉपर मतलब क्या? कॉपर क्या होता है? मेटल होता है. मेटल के अंदर क्या इंड्यूस होता है? आपको मैंने बताया था देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एडी करंट्स. अरे भाई तो यहाँ पे क्या ऐसे एडी करंट्स आएंगे? ऐसे ऐसे एडी करंट्स आएंगे? कौन से पोल वाले एडी करंट्स आएंगे? सब नॉर्थ पोल बनाएंगे. हेलो जैसे वो नीचे गिर रहा है वैसे हर एक मोमेंट पर नॉर्थ पोल. बिकॉज यू कैन इमेजिन दैट दिस ट्यूब इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट रिंग्स. भाई बोलो इनफाइनाइट रिंग्स, छोटी 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 इनफाइनाइट रिंग. कैन आई से सब नॉर्थ पोल बनाएगा? तो कैन आई से एट वन मोमेंट, एट वन मोमेंट कैन आई से हु इज द डाउनवर्ड फोर्स ऑन द मैग्नेट? ग्रेविटी. कैन आई से विल बिकम इक्वल टू द अपवर्ड फोर्स? बिल 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 विच लॉ? लेंज़'स लॉ. एंड नेट फोर्स कितना हो गया सिस्टम पर? जीरो. That means what will happen? Body will acquire terminal velocity. Which velocity? Terminal. F net zero इसका मतलब क्या? या तो रुक जाए या तो constant velocity से चलने लगे. बराबर है क्या? Yes. तो यहाँ पर it will not stop. Okay. It will keep on moving like constant speed. So what is the answer? The magnet moves continuously with increasing speed and ultimately acquires a कॉन्स्टेंट स्पीड. पहले बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बिकॉज स्टार्टिंग में तो एक्सेलरेट हो रहा है ना नीचे एमजी के वजह से. फिर एक पॉइंट ऐसे आएगा विद दिस फोर्स एंड अपवर्ड फोर्स एंड डाउनवर्ड फोर्स बैलेंस कर जाएगा. नेट फोर्स कितना हो गया? जीरो. सो बॉडी विल मूव विद कॉन्स्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी. सेम थिंग हैपेंस इन व्हाट यू नो रेन ड्रॉप्स ऑल्सो. अर्पिता डू यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ रेन ड्रॉप्स? नो सर आई डोंट नो. यू नो देखो रेन ड्रॉप जब गिरता है ना तो ड्रॉपलेट्स ड्रॉप होता है. अरे होता है कि नहीं होता है? यस. ड्रॉप को नीचे कौन लाता है? रेन ड्रॉप को. फिजिक्स पढ़ो उसका क्या होता है. रेन ड्रॉप जब नीचे गिरेगा तो कौन नीचे लेकर आएगा उसको? जमीन पर कौन लेकर आएगा? अरे ऐसे मत करो. हु इज ब्रिंगिंग हिम डाउन? एमजी. अरे यस एमजी विल ब्रिंग हिम डाउन. But there is air na surrounding mein. Yes or no? Yes. Air, air ke particles. Ye Mustafa sir aapko fluids mein padhayenge. To kya hoga? Ye air ke karan ek force lagega. Called as which force? Viscous force. Friction. Friction. Indirectly friction in air. Ab thrust nahi. Ab thrust na lage. Hello. Ab thrust bhi padhayenge sir aapko. Ab thrust na lage. एक्चुअली दो फोर्स एक्ट करेगी यहाँ पर. एक फोर्स कौन सा रहेगा? अब थ्रस्ट. ये कांस्टेंट होता है. वी रो जी होता है ना इसका फॉर्मूला मालूम है क्या? वी रो जी. ये कांस्टेंट है. दूसरा वाला विस्कस फोर्स है. विस्कस फोर्स इज 6 pi eta rvt. ये सब सर पढ़ाई है आपको. ठीक है. एक पॉइंट ऐसे आएगा विद दिस फोर्स एंड दिस फोर्स विल बैलेंस. तो नेट फोर्स कितना हो गया रेन ड्रॉप के ऊपर? Zero. Can I say at that moment that the raindrop acquires which speed beta? Terminal speed. Yehi concept adhar bhi ho raha hai. Barabar hai kya? Aray, when raindrop fall on your head, do you feel it pleasant? Or does it accelerate and shoot you like a bullet? Kya baat kar rahe hai bhai? Sahi to hai. Aur ab bulletproof jacket pehen ke jana padega na bahar to. Aray, chota chota bullet ki tarah act karega wo agar accelerate kar raha hai to. एक ही बारिश में सब खत्म हो जाएगा. तो नेचर ने क्या किया? उसका नेट फोर्स को कितना कर दिया? जीरो. सेम कॉन्सेप्ट इज फॉर अ पैराशूट आल्सो. व्हेन यू डू स्काई डाइविंग एंड व्हेन यू लैंड थ्रू अ पैराशूट, पैराशूट क्या करता है? आपकी स्पीड को कितना कर देता है? टर्मिनल. अरे अभी ऐसे ही सब टाइम है इसके लिए आई एम डूइंग टाइम पास ओवर हियर, वरना अभी तो बहुत काम करना है. तो अंडरस्टैंडिंग और समझने पैराशूट का जो ये सरफेस रहता है ना कर्वेचर ऐसे होता है ना बेटा. अरे यार टेल मी ना है यस और नो. ये कर्वेचर की वजह से एक विस्कस फोर्स एक्ट करता है एंड विस्कस फोर्स वेट को क्या कर देता है?
कैंसिल, तो नेट फोर्स कितना हो गया जीरो, तो इट विल फॉल विद टर्मिनल स्पीड. समझ में आ रहा है क्या? ये सेम कॉन्सेप्ट सब जगह पर अप्लाइड है दुनिया के अंदर, सोचते ही नहीं है. ओके, गॉट इट, गॉट इट सर, गॉट इट, वेरी गुड सर, वेरी गुड. ओके नाउ फाइन विथ इट, फाइन. क्वेश्चन नंबर 93 पर आते हैं, ठीक है. ऑल टाइम पास सम्स मैन, हा 93. सुनो हा मेरी, सिद्धि गुप्ता, आर यू देयर? यस सर. अभी यहां पर देखो, मेरी बात सुनो, ये ऑब्जर्वर इधर है, मैंने बताया था ना, ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है कि कहां से देखना है सबसे पहले. तो उसका आंख इधर है, उसका आईज इधर रखा गया है, बराबर. ये करंट फ्लो हो रहा है, यहां से करंट फ्लो हो रहा है. ये देखो, यहां से स्विच बंद करेंगे, क्या हो गया भाई, सॉरी वेयर हैव वी रीच्ड. हाँ यहाँ पर, ठीक है. अब मुझे आप एक बात बताओ, सपोज यहां पर नॉर्थ बन रहा होता, सपोज यहां पे इस पुल पे नॉर्थ बन रहा होता, एंड करंट अगर बढ़ेगा तो ये फेस कौन सा बनेगा, ये अंदर वाला फेस कौन सा बनेगा, इधर का अंदर वाला फेस कौन सा बनेगा? नॉर्थ ही बनेगा, सही है क्या? इफ द करंट वुड डिक्रीज इंक्रीज, देन कैन आई से ये नॉर्थ बना, ये नॉर्थ बना, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे. अच्छा, करंट अगर कम होगा, करंट अगर कम हो रहा है तो क्या होगा? ये तो नॉर्थ है और करंट इज डिक्रीजिंग, तो ये फेस क्या बनेगा? ये फेस साउथ, उल्टा बनेगा. गेटिंग इट ऑर नॉट? दैट मीन दे विल, so where the current increases, क्या आंसर क्या है? डी है ना? अरे यस और नो मैन, करंट बढ़ा तो रिपेल हुआ ना, नॉर्थ का नॉर्थ बना, डिक्रीज हुआ तो साउथ बना. ये सब चीजें नीट में पूछी जाती है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 93, 94 is cancelled. प्लीज डोंट डू, करना है तो कर सकते हो, थोड़ा हार्ड है, is not neat level. Okay. Question number 95. A rectangular loop of sliding connector PQ of length L. Okay. And resistance R is moving at the speed V. The setup is placed on a uniform magnetic field going in the plane of the paper. Then the currents I1, I2 and I3. I1, I2 and I3. Okay, listen to me. I'll just draw it properly. Idhar dhyan dena, sab logo ko bhi. Ye resistance hai R. Yahan par ek slider hai PQ. Jiske paas resistance, iske paas bhi resistance R hai. Aur ye chal raha hai with velocity v, बराबर. एंड ये सर्किट कंप्लीट हो रहा है, एंड मैग्नेटिक फील्ड अंदर है. कैन यू टेल मी हु इज गोना एक्ट लाइक अ फिक्टिशियस बैटरी? यू नो इट, एवरीथिंग इज द लास्ट लेक्चर, कम ऑन. पीक्यू इज गोना एक्ट लाइक अ फिक्टिशियस बैटरी, उसका ईएमएफ कितना रहेगा बेटा? परफेक्ट मैन, ऊपर टर्मिनल पॉजिटिव रहेगा, याद है ना सब लोगों को? सही है. हेलो बोलो. यस सर. हो चुका. अच्छा ये भी आ रहा है यहाँ पर. अच्छा दिस इज आल्सो आवर ओन्स. ओके लिसन टू मी एंड आई जस्ट पे अटेंशन, पे अटेंशन टू मी. Okay.
कैन यू टेल मी ये तीनों आर किस में, सीरीज में क्या पैरेलल है? नहीं देखो अभी मेरी बात सुनो, यहां पर ही सब लोग मिस्टेक करते हैं. कैन आई राइट दिस लाइक दिस, ये आर, ये आर, ये बैटरी वाला एंड ये आर, सही है? इतना मानते हो क्या? अरे भाई इसको पीछे ले लिया मैंने, इस चीज को मैंने पीछे ले लिया, चलेगा? Yes, sir. अब मुझे बताओ ये दोनों किसमें पैरेलल? अरे भाई दिस टू आर इन व्हाट पैरेलल? व्हाट इज आर पैरेलल आर, जल्दी बोलो मैन. आर बाय टू. आर बाय टू प्लस आर नो? यस. ये मिस्टेक होता है सब लोगों से. So what will be the net resistance of the circuit? EMF कितना है? नेट करंट कितना रहेगा यहां से जो निकल रहा है, नेट करंट बोलो. VLV by R. VLV by R net. R net is 3R by 2 ना. Are you there with me? Yes. हेलो, तो यहां से कितना निकला, ये जो बैटरी वाला था उसमें से कितना करंट निकला? 2BLV by 3R, सही है? Yes. हेलो, कैन आई से हाफ इधर जाएगा और आधा इधर जाएगा, बिकॉज दोनों रेजिस्टेंस सेम है, तो इधर कितना गया? BLV by 3. एंड इधर भी कितना गया? BLV by 3. ये 2LV BLV by 3. तो I2 is 2 BLV by 3. ये ना, ये अभी यहाँ पे कुछ दूसरा और लिखा है, ये और ये रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है? देख लेना वो जो भी है नंबर में. I'm writing it over here. I2 is 2 BLV by 3R and I1 and जो भी I3 है is BLV by 3R. Did you get it? अरे भाई बोलो. सेम कॉन्सेप्ट अगेन एंड अगेन, रेपिटेशन, यू नो इट. ओके ठीक. क्वेश्चन नंबर 96. सुनो मेरी बात. टू कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स ईच ऑफ रेडियस आर इक्वल टू 2 पाई सेंटीमीटर प्लेस राइट एंगल्स टू ईच अदर. एक्चुअली ये मैग्नेटिक इफेक्ट का सम है, शायद किया भी रहेगा. देयर आर टू कॉइल्स व्हिच आर प्लेस्ड एट राइट एंगल, जैसे किया है क्या सम तुम लोगों ने मुस्तफा सर के साथ है? हेलो. अरे मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर, यू नो मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है? करंट ये है, बी सेंटर इधर होता है ना. व्हाट इज बी सेंटर का फॉर्मूला? म्यू जीरो एन आई अपॉन टू आर. अरे भाई टेल मी यस और नो. अर्पिता हैव यू डन दिस? नहीं किया? यस यू हैव डन, 100% यू हैव डन. दिस इज अ वेरी फेमस सम ओवर देयर. तो कैन आई से इसके कारण, ये लूप है, ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, तो कैन आई से इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो ऐसे बनेगा, एंड इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा सब वो ऐसे बना. तो इसके कारण बी वन इधर, ये एक्चुअली मैग्नेटिक इफेक्ट का समय इधर आ गया, बी टू इधर बना. मैं व्हाट विल बी द रिजल्टेंट बेटा? और दोनों का बी सेम है क्या? करंट दोनों में अलग है, रूट टू कैसे बना? इट विल बी रूट ऑफ बी वन स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर ना बेटा? यस. ये मैग्नेटिक इफेक्ट का समय नॉट ऑफ ईएमआई बट सिंस इट इज देयर वी हैव डन इट. ओके बी वन बी टू ढूंढ सकते हो ना. व्हाट इज बी वन? म्यू जीरो आई वन कितना है? 3 एम्पीयर अपॉन 2 आर, बट आर इज 2 पाई. ऐसे ही बी टू विल बिकम म्यू जीरो एन आई अपॉन 2 आर. को कैलकुलेट कर लेना, यू विल गेट द रिजल्टेंट आंसर. बट वी आर नॉट बॉदर्ड, दिस सम इज नॉट ऑफ दिस चैप्टर.
But it is a very famous summer. It is a very famous question. Every alternate year देखा गया है इसमें. इतना तो आता है ना, इतना नहीं कर सकते हो तुम लोग. इतना तो easy है एकदम. Mu zero n f one two r. Okay. Perfect. Here, Gandhi, where are you? Beta, chalo. Will you answer? Yes. 97. Beta, आपको growth of current in an inductor मालूम है? Inductor में मैंने एक concept सिखाया थे आपको. Growth. Growth of current का what was the formula? If you remember, IL was. याद है? Yes, sir. This was. अच्छा, what is the decay का formula? याद है किसी को? ये. एक था ग्रोथ और एक था डीके. आता है ना बेटा ये जनरली ये पूछा जाता है. दिस इज मोर इम्पोर्टेंट. डीके भी कभी कभी पूछा जाता है ना. व्हाट आर दे टेलिंग यू इन द क्वेश्चन? दैट एन इंडक्टर ऑफ एल गिवन रेजिस्टर गिवन. ये एल बाय आर से क्या मिल जाएगा? टाउ. हेलो हेलो. यस सर. यस सर. बैटरी ऑफ ईएमएफ कितना है? 100 वोल्ट. इट्स कनेक्टेड इन सीरीज. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द बैटरी इज डिसकनेक्टेड. तो बैटरी अगर डिसकनेक्ट कर देंगे तो ये जो एनर्जी है इसमें कमजोर होगी ना बेटा. यस सर. जो एनर्जी भरी हुई है ना हाफ एल आई स्क्वायर, कैन आई से दैट विल डिसिपेट इट्स एनर्जी थ्रू द रेजिस्टर इन द फॉर्म ऑफ हीट ना. मालूम है ना, ये पढ़ाया था मैंने. ओके. एंड शॉर्ट सर्किटिंग पॉइंट ए एंड बी, मतलब क्या ये जो एल है उसको आर से कनेक्ट करके शॉर्ट कर दिया. ऐसे करंट फ्लो होगा बट करंट विल डीके ना, बिकॉज यहाँ पे एनर्जी खत्म हो रही है उसकी. एंड डीके ऑफ करंट का फॉर्मूला क्या मेरे पास? आर इज आई नॉट ई रेस टू माइनस टी बाई टाउ. गेटिंग इट? व्हाट इज आई नॉट? आई नॉट इज ई बाय आर. E by R, E कितना है क्वेश्चन में? 100 by R is also 100. E raised to minus T. T कितना है? 1 millisecond बोल रहे हैं. He wants 1 millisecond. देखो, मतलब 10 raised to minus 3. And tau भी कितना है? 10 raised to minus 3. Yes or no? कितना हो गया आएगा value? E raised to minus 1 हो गया. Can I write this as I will become 1 upon E? And 1 upon E का value is 0.37. 1 upon E, yeah, sorry, answer is 1 upon E. 0.37 bhi agar diya hai, toh 0.37 likh sakte hai. Getting it? This was a sum of typical decay. Piche humne bahut sums kiye hai growth ke baare mein. Ab ye sum tha decay ke baare mein. Decay matlab battery ko khich ke baare nikal diya. Battery ko nikal diya toh current decay karega na. Hello. यार इतना ही यही बेसिक फॉर्मूला आपको आना चाहिए. आई इज आई नॉट. व्हाट इज आई नॉट? वी नॉट बाय आर. ई रेज़ टू माइनस टी बाय टाउ. प्लीज प्लीज कम ऑन. है क्या? क्वेश्चन नंबर 99. ब्यूटीफुल गुड क्वेश्चन. लिसन, ओके, दे आर टेलिंग यू दैट द लूप इज एबीसीडी. Connected to resistance of 8 ohms. Steady current of 2 amperes flows in it. Then the value of V if the loop has resistance 4 ohms. Loop has a resistance 4 ohms. Kitna EMF induce ho raha hai? I told you anything. They have given you, B is given as 4 Tesla.
Current is given as 2 ampere. Resistance is given as 4 ohms. Yes, DG. Okay. अच्छा मेरी बात सुनो, अभी मजा देखो, अगर सब लोग मेरी बात सुनो बेटा, देखो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, मेरी बात सुनना सब लोग, इधर मैं फिर से बना लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए, फिर बराबर दिया नहीं है ये। ये नहीं ऐसे, ये थोड़ा टेढ़ा है, ये ऐसे है। निष्का? Yes, sir. हाँ बेटा, कैन यू टेल मी, ये देखो ये 37 है, मैग्नेटिक फील्ड को अगर काटना है तो परपेंडिकुलर जाना पड़ेगा। Yes. मतलब ये जो चीज है ना, ये नहीं चलेगी, आई हैव टू कट इट। मतलब कैन आई से एडी का जो लेंथ है ना, एडी का, उसका ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला जो कंपोनेंट है इस लेंथ का, वो मैग्नेटिक फील्ड को काट रहा है। Yes. ये वाला हिस्सा? Yes. ये वाला नहीं काट रहा है ना बेटा, दिस कॉन्सेप्ट आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, कोई इश्यू नहीं है। हिया गांधी बोलो, सही है, दिस पार्ट इज कटिंग ना, कैन आई से ये ए बी सी ए डी बी बना देते, तो कैन आई से बी डी इज कटिंग, ए बी इज नॉट कटिंग? हेलो, बोलो ना। तो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो इधर नहीं इंड्यूस होगा, इधर रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। ईएमएफ इंड्यूस किधर होगा? इसमें इंड्यूस होगा ऐसे। एंड व्हाट विल बी इन ईएमएफ इंड्यूस्ड ओवर हियर? बी एल वी, द एल विल बी रिस्पेक्टिव लेंथ ऑफ दिस, लेंथ ऑफ डीवी, बी डी, ये बता चुका हूं मैं पहले, अभी सिर्फ वो सम आ रहा है। तो कैन यू टेल मी हाउ मच विल बी द लेंथ ऑफ बी डी? बी क्या बोल रहा है, देखो ना, ए बी कितना दिया है, ए बी तो मालूम है आपको, ए बी, अच्छा ये बी है क्या, हाँ तो इसको कुछ दूसरा नाम दे देते, इसको नाम देते एक्स, ये बी है ना, ये तो काट ही नहीं रहा है, बी सी वाला तो काट ही नहीं रहा है, उसको छोड़ दो, जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है वो काटेगा ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? यस सर। हाँ, अब एल कितना है मेरे को बताओ, एल कितना है? ए डी 30 सेंटीमीटर है और ये 37 डिग्री है, तो बताओ ये लेंथ कितना रहेगा? अरे बताओ मैन, बताओ, कमान, एल साइन 37, 30 sin 37 बराबर है ना? यस सर। एल मतलब 30 sin 37 कितना होता है? 3/5, 3/5 होता है ना? Yes. 30, 15 हो गया, अरे वेरी गुड यार, सीधा तो आंसर बताया था, वेरी गुड। तो EMF induced over here, fictitious battery will become equal to BLV. What is B? 4. What is L? 15 centimeter. And what is the velocity given? Velocity is given as, पता ही नहीं है. So L will be 18 centimeter. L will be? 18 centimeter. By R. What is R given in the question as? 8 ohms. And इसके पास कितना ohms है और? अरे इसके पास 4 ohms है, तो 8 और 4 series में आ गए ना सब, कितना ohms हो गया? 12 ohms. Got it or not? 4 threes are 12. 3 six are 18. 3 two threes are 6. So it will become 50/3. नहीं, 100/3. 100/3 आएगा, देखो 10 to minus तो उधर चला गया ना। Yes. And this is a good question. कितने बहुत सारे concepts हैं साथ में?
मगर अच्छा वाला सम था, हार्ड नहीं था ये. इट वॉज कॉन्सेप्चुअल. टू थ्री क्वेश्चन वर मिक्स टूगेदर एंड वी हैव डन द सम. परफेक्ट. तो मैं आपको समझ गया अभी. ठीक है, आपको समझ गया. वेरी गुड. Now we'll be doing some more 10 questions because last 10 questions are obviously cancelled only because they are all JEE advanced questions. Why is putting JEE advanced? I can't understand only. Okay, same questions of that JEE advanced is put in that book, from that book. So our JEE ka book hai na udhar se. ठीक है, question number 101 पे आ गए. This is a very good question. 101. 100 वाला कर लेना, ये पहले करा चुका हूँ मैं आपको. Okay. अब फिर से वही निष्काल को जो पूछा था वही क्वेश्चन है. बट यहाँ पर पीछे कौन है? रेजिस्टर नहीं है, कैपेसिटर है. हाँ, अब कैपेसिटर है. अब कौन आंसर देगा? अर्पिता, विल यू आंसर बेटा? हाउ मच इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द रॉड? ये तो स्टैंडर्ड है, बीएलवी. कैन आई से दिस ईएमएफ, दिस बैटरी इज सेम इन पैरेलल विद दिस कैपेसिटर? अरे भाई, इट इज लाइक यू नो बैटरी एंड कैपेसिटर. वी यूज टू डू ना इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेटा. इसका वोल्टेज कितना था? वी होता था ना. तो व्हाट वाज द चार्ज ओवर हियर? सीवी, याद है? Yes. अरे क्यू इज सीवी, मैन क्यू इज सीवी. तो यहाँ पर क्यू कितना इंड्यूस होगा? यहाँ पर सी का वैल्यू कितना है? सी वी होगा ना. And what is V equal to? BLV. V की जगह E है ना बेटा? Yes. Hello, are you understanding, man? Simple है एकदम. क्या हुआ? तो only Q equal to C का value कितना है? 10 micro. Micro मतलब minus 6. B कितना है? B 4. L कितना है? L 1. V कितना है? V 2 meter per second. Yes or no? ये 2 for the 8. 80 into 10 is मतलब 80 micro coulomb है. मेरी बात सुनो हाँ. 80 माइक्रो कूलम इज द आंसर. बट यहाँ पर 80 माइक्रो कूलम में दो दो आंसर है. देखो, दिख रहा है क्या? Yes. अच्छा, अब मुझे आप बताओ कि मुझे पता है कि ये जो बैटरी है, ये जो रॉड था, वो उसका कौन सा टर्मिनल ऊपर प्लस बनने वाला है? ये प्लस बनेगा, ये माइनस बनेगा, एंड इसी के साथ में कैपेसिटर भी है ना बेटा. हेलो. Yes. तो कोई बता सकते है प्लस चार्ज कहाँ इंड्यूस होगा? जिधर प्लस है. यस ऑर नो? कैन आई से दिस इज 80 माइक्रो कूलम एंड दिस विल बी माइनस 80 माइक्रो कूलम? बिकॉज आपको मालूम है एक प्लेट पे कौन सा चार्ज इंड्यूस होता है प्लस, और दूसरे प्लेट पे कौन सा चार्ज इंड्यूस होता है माइनस. गॉट इट. यस ऑर नो? यस. व्हाट विल बी द आंसर? दिस इज ए एंड बी. सो ए इज, व्हाट इज ए? ये आंसर है. अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन. यस ऑर नो? महक, डू यू अंडरस्टैंड? यस सर. बस. फाइन. Perfect. Okay, 102 पर आते हैं. 102. अच्छा, आपको पता है, ये पता है ना साइकिल के स्पोक्स वाला सम? ए, भूल गए क्या? सेम सम्स. ये ऐसे था, याद है? There was one rod which was rotating. एक रॉड घूम रहा था. इसको याद है कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है एरोड में? बीएल स्क्वायर ओमेगा, राइट? अरे वेरी गुड मैन, बीएल स्क्वायर ओमेगा बाय 2 बराबर क्या? बहुत अच्छे. अच्छा, व्हिच टर्मिनल विल बी प्लस एंड व्हिच टर्मिनल विल बी माइनस? कैन आई से दिस रॉड का वेलोसिटी दिस वे सपोज इधर जा रहा है? आपको मैंने क्या बताया था? अरे मैन, बी अंदर, वी ऊपर. तो जिधर पाम होगा वो पॉजिटिव होगा, मतलब दिस विल बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस बैटरी.
अरे बोलो यस सर, पता है ना ये फाल से, आपको पता है, यू फॉरगॉट? नो सर, नो नो, यू रिमेंबर, हां यू रिमेंबर ओनली मैन, ओके, एवरीवन हैज टू रिमेंबर। अब मुझे आप एक बात बताओ, ये रॉड को दो पार्ट में तोड़ते हैं हम लोग, जो क्वेश्चन वाला रॉड है ना उसको दो पार्ट में तोड़ते हैं। मेरी बात सुनना ध्यान से, अच्छा वाला समय, ये अगेन आईआईटी का समय है, बट यहाँ पर थोड़ा इजी लेवल का है इसलिए मैं सिखा रहा हूँ आपको। इसको मैं दो पार्ट में तोड़ देता हूँ। कैन आई ब्रेक दिस इनटू एओ, एओ दिख रहा है, एओ ये पार्ट दिख रहा है, अरे दिख रहा है क्या? यस, कैन आई सी, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है मतलब ये नीचे जा रहा है, बराबर। एंड ओसी कैसे है? ओसी, एंड ओसी अगर ये ऐसे घूमना है तो ये ऊपर जाएगा, बोलो। हेलो, यस, अच्छा वो लेंथ भी दिया हुआ है, दे हैव नॉट गिवन यू द लेंथ ओवर हियर, लेंथ सेम ओवर, नहीं इसका लेंथ इज एल इन द क्वेश्चन एंड इसका लेंथ इज 3L, ये दिया हुआ है यहां पे, मिसप्रिंट कर दिया, सो दिस लेंथ इज एल एंड दिस लेंथ इज 3L। बाल से इसके अंदर ई एम एफ कितना आएगा छोटे वाले रॉड में? BL square omega by 2, omega by 2, बहुत अच्छे। तो इसमें छोटे वाले रॉड में EMF आने वाला है BL square omega by 2, बड़े वाले रॉड में कितना आएगा? B3L square omega by 2। अच्छा मगर प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम है कौन सा टर्मिनल प्लस है और कौन सा टर्मिनल माइनस है। मेरी बात सुनना अभी ध्यान से सब लोग, या कैन यू टेल मी ऋषि बाल से, विच टर्मिनल इज प्लस एंड माइनस, ए एंड ओ में कौन प्लस है कौन माइनस है? मैग्नेटिक फील्ड अंदर है बेटा, OS प्लस, तो ये ऐसे बनेगा, बोलो सही यार, कम ऑन मैन, कैन आई से VO बड़ो माइनस VA छोटो, दिस इज प्लस एंड माइनस ना, विल बिकम इक्वल टू BL स्क्वायर ओमेगा बाय 2 जैसे आपने बताया। अरे यार पोटेंशियल डिफरेंस इज हायर माइनस लोअर, महक ये दूसरे वाले रॉड के बारे में बताओ, हु इज प्लस एंड हु इज माइनस? OS प्लस, ऐसे तो इसके बारे में कैसे लिखूंगा मैं? B3L स्क्वायर ओमेगा, VO माइनस VC इज B3L स्क्वायर मतलब 9L स्क्वायर ओमेगा बाय 2, बोलो। यस, अच्छा बट पूछा गया आपको in the question, if you see what do you require, actually they will ask you VO minus VC, VA minus VC puchega, VA minus VC, dekho dono equation ko agar main subtract karu to VA to nikal jayega, are man that's why I told you to take mathematics, hai ye dono ko agar minus karenge dono equation ko to kya nikal jayega Arpita, kya nikal jayega, what will go? V not, V not nikal gaya. अच्छा, who will become plus and who will become minus if I subtract? अरे this is बड़ो equation ना भाई, this is बड़ो no and this is छोटो, yes or no? तो I have to do 2 minus 1 or not? तो if I do 2 minus 1 क्या 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 plus हो जाएगा क्या minus हो जाएगा? VA minus VC हो जाएगा and ये 9 BL square omega by 2 and BL square omega by 2 कितना आ गया? 8 b l square omega by 2 which is 4 b l square omega, bolo sahi hai kya? Achha wala samay yaar, ye category kya hai? Aapko hai na apne level pe kaam karna hai, these all sums are there and more than this also higher level sums are there. Neat ka jo level hai us pe aapko confidence rakhna hai. Some people, you know, only do difficult sums. So when easy sum will come, they will not be able to get. That is my guarantee. Because wo level par wo soch hi nahi payega examination. You have to think at that platform, that level only which the paper comes. Or thoda si zyada, 0.5 level zyada, 0.25 level zyada. If you keep on thinking like JEE advanced people, then ye sab sums aapko nahi aane wale. Okay, this is actually a JEE main or JEE advanced sum only, but ye level ke questions nahi puche jate. Aap agar history dekhte ho na 31 years ki NEET ki PMT ki, ye level ke questions once in a blue moon ek question aaya rahe. Okay,
In the end, when I'll start with revision, जैसे November खत्म होगा, we'll be starting with revision of BPS. याद है ना वो yellow sheets I've given it to you. They all are very hard sums. तो आपको really पता चल जाएगा कौन से level के sums very difficult होते हैं. That we'll solve every Sunday one turn we'll take. But अभी फिलहाल इसको पक्का करो. Okay, 103 again. यार we are tired only man. Come on, कौन बताएगा? Okay. Vinaya, do you know the formula for growth of current in an inductor? Chalo, aaj formula bolo. IL is I naught 1 minus e raised to minus t by tau. Do you know it? Yes, sir. You know it. Yes. The current in an inductor circuit builds up to 3/4 of its steady value. Can I say IL has become 3/4 of I naught, maximum value is I naught, ना? 1 minus e raised to minus t by tau, सही है क्या ये? अरे भाई दिया है question में, I naught उड़ा दो. What is 1 minus 3/4? 1/4 is equal to e raised to minus t by tau. बोलो. We want to find steady value in how many seconds, बेटा? 4 seconds. So can I take this is 1/4? Is equal to e raised to minus 4 by tau. सही है? अरे अभी इसको उल्टा कर दो. Can I say 4 is equal to e raised to t by tau minus sign निकाल दिया. अरे e raised to minus x को ऊपर लेके जाएंगे plus x हो जाएगा ना भाई. Can I take log on both sides will become ln 4 t by tau. T is 4 ना. So tau will become 4 by ln 4. 4 by ln 4. What is ln 4 written as? So, can I write this as 2 log 2? Iska? Pata hai? Nahi. Nahi aata hai. Aray, log of a raised to n is n log a. Pata hai kya? Yes. ये 2 2 4 हो गया तो ये हो गया 2 ln 2 तो 2 by ln 2. This is again mathematical question. Good question. Okay. As I told you initially also there is a technique called as VFA technique to solve any damn sum of physics. V what is V? Visualization. Visualization हमको कर ही लिया हमने growth of current का समय. F क्या है? क्या आना चाहिए? फॉर्मूला भी आता है आपको. वेरी गुड सर. थर्ड क्या है? एप्लीकेशन. और अगर एप्लीकेशन नहीं आएगा तो देन नो वन विल बी एबल टू डू एनीथिंग. बराबर है क्या? सही है ना? वीएफएल टेक्निक कोई भी सम आप उठाएंगे तो वीएफएल टेक्निक से ही सॉल्व होता है. विजुअलाइजेशन इज मोस्टली डन इन द सिनॉप्सिस. विजुअलाइजेशन इज मोस्टली डन इन द सिनॉप्सिस. सही है. आपको सिर्फ हैंडी फॉर्मूला याद रखना. एप्लीकेशन आपको करने आना चाहिए. ओके. Got it ना? मैं स्माइलिंग अंडरस्टूड. ठीक है. ओके वेरी गुड. चलो ओके ठीक. क्या है ना वी आर कमिंग टू 104 अभी नहीं बात सुना. ये सब मैं डेरिवेशन के तौर पे सिखा रहा हूँ आपको. हैव वी डन ई नॉट साइन ओमेगा टी आई नॉट कॉस ओमेगा टी मैक रॉड रोटेटिंग कॉइल या ना मैग्नेटिक फील्ड का सिनॉप्सिस हैव डन. एक रॉड एक कॉइल को जब घुमाते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो अल्टरनेटिंग सर्किट्स बनते हैं. हैव यू डन दिस? आई डोंट थिंक सो. ओके ठीक है ठीक ठीक ध्यान दो. अब मेरी बात सुनो. आई एम डूइंग सिनॉप्सिस ऑफ दिस थिंग. पे अटेंशन टू मी एवरीवन. बस ये सम आई थिंक सो ये सम रह गया था इसलिए आई डू द सिनॉप्सिस एंड देन मंडे से वी कैन स्टार्ट विद अल्टरनेटिंग करंट बिकॉज़ आई थिंक 110 तक ही है. उसके आगे सम्स मत करना. 110 तक ही है पूरा.
120, 117 and all that is nonsense. You can do 118, 119, last के दो sums, last के दो sums आप कर सकते हो. बाकी सब integration है. बाकी 111 से लेके 100 and मैं सर बता देता हूँ पहले 110 से लेके 117 तक दे all are mathematical based J advanced level questions. So you need not do that. Okay. इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है, सिनॉप्सिस. अब सिनॉप्सिस ये क्या कह रहे हैं, देखो मेरी बात, इसको कहते हैं रोटेटिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड. ध्यान से सुनना, 5 मिनट, वी डू सम कपल ऑफ मोर सम्स एंड फिनिश. सी नाउ, लिसन नाउ. Suppose if there is a magnetic field, uniform magnetic field, sahi hai kya? Hello, and there is a coil. कॉइल के ऊपर यहाँ पर हमने ये आर्मेचर है, उसके ऊपर कॉइल ऐसे लपेट दिया हुआ है, सही है क्या? Yes or no man? There's a frame over which coil is rotated. And इसको हम लोग घुमा रहे हैं with an angular speed of omega. सही है? ऐसे 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 करके घुमा रहे हैं. Will it cut the lines or not? Yeah, Gandhi. Obviously it will cut the lines. Na? These sides. These two sides, ये जो दो sides दिख रही है आपको, ये sides are going to cut the lines ना बेटा. हेलो, ऐसे घूम रहा है, it's going to cut the lines. Got it? Can I say initially at time zero? Suppose the coil is placed this way. So how much is B bar over here and can I say area vector भी यहाँ पे, तो angle between A bar and B bar कितना है? Zero. So flux कितना रहेगा? NAB cos theta zero, yes or no? अब हमने इसको घुमा दिया at any instant of time t, हमने इसको घुमा दिया, ये coil थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा. Suppose area vector इधर चला गया, area vector is normal, normal इधर चला गया, magnetic field इधर है, can I say it rotates by an angle theta, सही है क्या? ऐसे था, ऐसे theta हो गया, it is rotating ना बच्चा, so area vector is, मतलब ये initially ऐसे था, ये ऐसे हो गया, can I say इधर इधर देखो, मेरी तरफ देखो बेटा, इधर देखो. एरिया वेक्टर था, दिख रहा है सबको? हेलो, यस सर. एरिया वेक्टर था, इसको घुमा देंगे ना ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे हो जाएगा. तो पहले एरिया वेक्टर इधर था, अब एरिया वेक्टर ऐसे हो जाएगा, टर्न हो जाएगा. तो हाउ मच विल बी द फ्लक्स ओवर हियर? NAB cos theta, but theta stands for omega t because आप घुमा रहे हो इसको, circular motion में हमने पढ़ाया theta is omega t, yes or no? Can you tell me if the flux is NAB cos omega t, whenever there is change in flux, EMF is induced which is minus d phi by dt, इसका derivative ले लो, cos का derivative होता है minus sine, तो will become minus माइनस प्लस एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी. एंड रिमेंबर आई हैड टोल्ड यू साइन टर्म को छोड़ के, ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म को छोड़ के जो भी बचता है दैट इज विच वैल्यू, सो क्या बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू. ई विल बिकम ई नॉट साइन ओमेगा डी, व्हाट इज ई नॉट? एन ए बी ओमेगा.
बेटा अगर मैं इसका ग्राफ बनाने जाऊं ना तो ग्राफ ऑल्टरनेटिंग बनेगा, साइन जीरो इज जीरो, साइन 90 इज मैक्सिमम, यहाँ पे ई नॉट आएगा, फिर जीरो हो जाएगा 180, फिर माइनस ई नॉट आएगा, दिस इज साइन वेव ना ऑब्वियसली, लाइक योर लाइफ राइट, अप एंड डाउन है साइन वेव ना, यही दो है, कॉन्स्टेंट है, चलता रहता है, प्रोग्रेसिव वेव, ऊपर नीचे, साइन वेव स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो ओनली। अच्छा कैन आई से दिस ईएमएफ विल गिव राइज टू व्हाट बेटा, करंट भी इट विल गिव राइज, करंट आएगा ना यहाँ पे, दिस ईएमएफ विल गिव राइज टू करंट, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर करंट, ई इज इक्वल टू आई आर, सो व्हाट बी आई इक्वल टू ई बाय आर, व्हाट इज ई, ई नॉट साइन ओमेगा टू बाय आर, ई नॉट बाय आर इज आई नॉट साइन ओमेगा टी, कैन आई से नेचर ऑफ द करंट एंड द ईएमएफ इज द सेम, तो करंट का भी अगर ग्राफ बनाने जाते हैं हम लोग आई वर्सेस ओमेगा टी इट विल बी द सेम वे, ये आई नॉट आया, ये जीरो, ये माइनस आई नॉट, दिस वी हैव डन इट इन द रिकॉर्डेड वीडियो इफ यू रिमेंबर फर्स्ट लेक्चर, तो यहां पर हमने दो चीजें पढ़ी, आई जस्ट सम अप एवरीथिंग, आई रब दिस एवरीथिंग एंड देन क्लियर अप कर देता हूं, व्हेनेवर अ रॉड, व्हेनेवर अ कॉइल इज रोटेटेड इन मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स एट एनी इंस्टेंट इज एन ए बी कॉस थीटा, दैट इज कॉस ओमेगा टी, ईएमएफ एट एनी इंस्टेंट इज ई नॉट साइन ओमेगा टी, and what is E naught? N A B omega. What is the current generated? I naught sine omega t. And what is I naught? E naught by R. Iska graph bhi aise aayega. And iska graph bhi aise aayega. That will be I versus R. And this will be E versus T. Sorry. Can I say these both are alternating? करंट एंड ई एम एफ ना, ई एम एफ एंड करंट, तो इधर से ही शुरू होगा मंडे को, ये सर्किट को जो हैंडल करेगा उसको कहते हैं ऑल्टरनेटिंग सर्किट, ये मंडे को शुरू करूंगा मैं, ठीक है, करेंगे ना, ओके परफेक्ट, नाउ लिसन टू मी, जस्ट पे अटेंशन, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, आई रब दिस, वी डिड द क्वेश्चन, अ रेक्टेंगुलर लूप एबीसीडी व्हिच इज रोटेटेड विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट द हॉरिजॉन्टल एज शोन इन द फिगर, द एक्सिस ऑफ रोटेशन एज वेल एज द मैग्नेटिक फील्ड आर हॉरिजॉन्टल, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन भी हॉरिजॉन्टल है एंड मैग्नेटिक फील्ड भी हॉरिजॉन्टल है, जैसे हमने आपको बताया था, ओके, मैक्सिमम करंट विल फ्लो, मैक्सिमम करंट का फ्लो होगा जब मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगा, ई का फॉर्मूला क्या था मेरे पास, साइन ओमेगा टी, या आई का फॉर्मूला क्या था मेरे पास, व्हेन विल मैक्सिमम करंट फ्लो, व्हेन साइन थीटा इज हाउ मच, दिस थीटा शुड बी हाउ मच, अरे प्लीज टेल मी मैन, साइन ऑफ हाउ मच इज मैक्सिमम, 90, this should be 90 na, that means theta should be 90, and what is theta, theta is the angle between a bar and b bar, sahi hai kya, theta is not the angle between plane and it is between a bar, sabko malum hai, that means agar magnetic field aisa hai तो ए बार किधर होना चाहिए, इससे परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब ये लूप ऐसे होना चाहिए,
एरिया वेक्टर ऐसे होना चाहिए, सही है क्या? अरे भाई देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये सर नो बोलो. सो एट दिस इंस्टेंट कैन आई से द प्लेन ऑफ द कॉइल शुड बी अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड. दिस इज द प्लेन ना बाबा, प्लेन. और द एरिया वेक्टर शुड बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. क्या आंसर क्या है, कोई बता सकता है? कौन बताएगा? द प्लेन ऑफ द कॉइल इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड. ऑलवेज रिमेंबर ये थीटा 90 आया ना, दिस इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द मैग्नेटिक फील्ड. तो इससे 90 माइनस कर देना जब भी आपको प्लेन की बात करेगा वो. सो इट इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड. यू कैन सी द प्लेन इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इधर है. तो एरिया वेक्टर इसके बीच में 90 है, बट ये जो प्लेन है इट इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड. बोलो सही है क्या? इंपॉर्टेंट है. लास्ट टू सम्स आई विल डू, वी फिनिश्ड ऑफ 105 एंड 107. ओके या ओके फॉर यू. राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी मेड अबव मेटालिक वायर मूव्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड वी. द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन एंड इट इज डॉट डॉट फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है. द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप एबीसी इन द सेगमेंट बीसी एंड इन द सेगमेंट एसी एंड इन द सेगमेंट एबी. अच्छा तोड़ते हैं हम लोग तीनों को, ठीक है? सिद्धि बराबर है, रेडी? चलो इधर आओ. एबीसी है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, वेलोसिटी है. बताओ बैटरी का पॉजिटिव किधर, नेगेटिव किधर? वेयर इज द मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड. आउटसाइड मतलब मेरी तरफ है, मेरी तरफ है ना. देखो मेरी तरफ है ये, वेलोसिटी इधर है. तो पॉजिटिव टर्मिनल किधर आया? पाम किधर आया? नीचे की तरफ आया ना. गॉट इट ना? ऐसे नहीं है, ऐसे है. थोड़ा ध्यान रखो, हाँ प्रॉब्लम हो जाएगा. So can I say this will be the case? Yeah, bolo, sahi hai? Yes, sir. And what will be the EMF induced over here? BLV. Iska length L hai. And L aur V ke beech mein angle 90 hai. Sahi hai kya? So idhar sahi hai. Idhar BLV aane wala hai. Matlab ye BLV hai. Ye wrong kar diya maine. Sorry. बराबर महक. अभी एसी की बात करते, एसी बोलो. इज इट कटिंग द लाइंस? नो 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 कटिंग होंगी. अरे कोई लाइन ही कैसे कट रहा है? लाइन नहीं काट रहा है भाई. तो ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा इधर? जीरो. इधर कोई बैटरी वैटरी नहीं है, इधर ईएमएफ इंड्यूस का जीरो. तो पॉजिटिव और नेगेटिव का तो सवाल ही नहीं है, बराबर है क्या? अब कौन बच गया? निष्का. अब हमेशा आया आज की दिस क्वेश्चन ओनली. ये ए बी जो है वो टेढ़ा है. अभी थोड़ी देर पहले से कहा था यार, हेलो. तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको वो कंपोनेंट लेना पड़ेगा जो उसको काट रहा है. तो ये वाला काट रहा है ना? Yes, ये वाला काट रहा है. अच्छा ये अगर मैं कहूं ये कितना है, ये लेंथ है AB है, तो ये कितना हो जाएगा? AB sin theta. Very good. So can I say ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर है. अब मुझे बताओ कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल होगा, कौन सा नेगेटिव टर्मिनल होगा बेटा? विच इज पॉजिटिव एंड विच इज नेगेटिव? अरे भाई कम ऑन. A इज पॉजिटिव, ऐसे आएगा ना बेटा, ऐसे है ना? एक्चुअली दिस विल बी दिस वे, इसको तो इधर लगाना पड़ेगा ना.
Yes or no? Yes. Because ये तो imaginary line है ना, ये जो line है मैंने जो dark line बनाई है, BX नाम दिया है, ये तो imaginary line है, actual line तो ये है. ऐसे है क्या? Yes. इसका EMF कितना आएगा बेटा? इसका EMF कितना आएगा? B. L. L की जगह L नहीं, L is AB sin theta into V. बोलो सही है क्या? Yes. B. AB sin theta into V. एंड ये बी एल वी जो लिखा है विल बिकम बी एल एल कितना है बीसी है ना बीसी बीसी अरे भाई ये बीसी है ये बीसी है ना सही है क्या yes, अब सब मिल गया अब आंसर को मिल गया एकदम इजी है ये ठीक है गॉट इट कैन आई से मैग्नेटिक फील्ड इन सेगमेंट बीसी तो बीसी कितना है VBC positive at C. हाँ ये सही है zero and VBC BC sin theta. ये तो क्या है ये तो wrong है VBC positive at C. VBC. What is the answer? VBC positive at C. Zero zero second वाला भी सही है third वाला wrong है ना इसलिए ये wrong नहीं लग रहा है होगा ना ये सही है बिकॉज ए बी साइन थीटा बीसी ओनली ना yeah. ये वर्टिकली तो है ए बी साइन थीटा इज नथिंग बट बीसी ओनली देखो डायग्राम देखो ट्राइंगल कैन आई से दिस विल बिकम इक्वल टू बी बीसी इनटू वी आंसर डी आ गया गुड क्वेश्चन Did you understand? Yes. Okay. The answer. The answer. Last question I'm doing. That is 100 and. Yes. The answer they've given is A. Positive at A. हाँ तो ये mistake हो गया. Sorry. लास्ट वाला थर्ड वाला सेकंड वाला जीरो है ना सेगमेंट बीसी सेगमेंट एसी सेगमेंट एसी की जीरो हाँ तो बीच वाला जीरो है यस हाँ ये सेकंड वाला है सॉरी बराबर है आंसर इज रीशफल्ड अगेन नोट आइए बीसी में कितना आंसर है कैसे हो सकता है सेगमेंट बीसी में कितना आंसर है BC में कितना है जीरो थोड़ी है BC is BC zero the first is in loop ABC the induced EMF in the loop ABC नहीं भाई in the segment BC AC and AB तीन चीज पूछा है ना पहले BC पूछा है फिर AC पूछा है फिर AB पूछा है yes or no हेलो अर्पिता तो BC में कितना है BC में जीरो थोड़ी है हेलो yes. बीसी में जीरो है क्या बीसी में तो कितना है ई बी सी वी होता है ना यस सर एसी में कितना है जीरो है एंड थर्ड वाले में भी बी बी सी वी होता है बराबर है क्या yes, बोलो कौन सा आंसर मैच कर रहा है बीच में जीरो होना चाहिए ना यस और नो वी बी सी पॉजिटिव एट सी VBC पॉजिटिव एट ए भी जीरो है हाँ बीच वाला जीरो होना चाहिए मतलब ये स्टार्टिंग में जीरो नहीं आएगा सही है क्या तो बट द फर्स्ट थिंग दे आस्क्ड इज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन लूप ABC सो देयर विल बी फोर फोर ऑप्शंस रहेंगे यस इन द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप ABC हाँ तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप ABC कितना रहेगा अब मेरी बात सुनो यहाँ पे ध्यान दो कैन आई अप्लाई किरचॉफ्स लॉ ओवर हियर If you apply Kirchhoff's law, this will become minus E plus E. ये देखो ऐसे जा रहा हूँ मैं minus E, यहाँ पे जा रहा हूँ मैं plus E. तो कितना हो गया ये? हाँ, sorry, I didn't read only. Sorry यार. तो पहले में zero हो गया, तो answer A आ गया. Yes. Correct.
So zero VBCC, then zero and VBCC. Okay, fine. सही करेक्ट है ना? लूप में समझ में आ गया ना? लूप में क्या करने का? यू नीड टू अप्लाई किरचॉफ्स लॉ. बाकी तो बीएलवी ही करना है आपको. क्या द रिजल्ट? 107. लुक केयरफुली है ना, जस्ट पे अटेंशन. बाल से यू नॉट आंसरिंग ओनली है ना. लास्ट क्वेश्चन, यू आंसर नाउ. In a figure shows three circuits identical batteries, inductor, resistor, rank the circuit in decreasing order according to the current through the battery just after switch is closed and after long time. Just after inductor acts as time zero, inductor acts as fine. Which circuit? Open circuit. Open circuit. And time infinity? कौन सा सर्किट? शॉर्ट सर्किट. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखो. पहले हम लोग टाइम जीरो की बात करते हैं. आई टॉक अबाउट टाइम जीरो नाउ. एट टाइम जीरो ये सर्किट की तरफ देखो. इसको फिगर नंबर वन, इसको फिगर टू और उसको फिगर थ्री देखो. फिगर नंबर वन में टाइम जीरो में क्या होगा बोलो जल्दी. ये क्या बन जाएगा भाई? ये ओपन हो गया ना. हेलो. यस सर. पहला सर्किट तो कितना करंट आया? जीरो. बराबर. सेकंड वाले सर्किट में क्या होगा? ये बैटरी है, ये रेजिस्टर है, ये रेजिस्टर है, ये इंडक्टर. बट इंडक्टर विल एक्ट एज विच सर्किट? ओपन सर्किट. कैन आई से, कैन यू टेल मी हाउ मच इज द करंट फ्लोइंग? करंट कितना रहेगा? सपोज ये आर है तो ये तो आर निकल गया ना. ये सेकंड वाला आर तो निकल गया ना. ई बाय आर हो गया. तो हाउ मच इज द करंट? ई बाय आर. बराबर क्या? ये आई टू है. अच्छा आई थ्री क्या बना? ये रेजिस्टर है, ये रेजिस्टर है, ये बंद हो गया, ये इंडक्टर ओपन हो गया. सही है क्या? ये आर है. कितना रेजिस्टेंस हो गया अभी सर्किट का जल्दी बोलो बेटा. E by 2R हो गया ना. E by 2R. सबसे करंट बड़ा कौन सा है? I2 बड़ा है, I1 बड़ा है, I3 बड़ा है? Please tell me. I2. फिर I3. फिर I1. So this is at which time? Time zero बोलो. Hello. Yes sir. What is the answer? एक ही आंसर है मेरे पास और कोई आंसर नहीं है. ए ही है. देखो कोई दूसरा मैच नहीं कर रहा भाई. एंड टाइम इन्फिनिटी पे क्या करने का? टाइम इन्फिनिटी पे क्या करेंगे? शॉर्ट सर्किट. तो इसको शॉर्ट कर देंगे. तो पहला वाला सर्किट ऐसे बन जाएगा. इधर करंट कितना हो गया? फॉल से ई बाय आर हो गया ना. सेकंड केस में बोलो ये दोनों आर किसमें बेटा? पैरेलल में. आर बाय टू. तो करंट कितना हो गया? ई बाय आर बाय टू. टू पर गया. सही है क्या? और थर्ड केस में कैसा हो जाएगा करंट? ये क्या हो गया? ई बाय टू आर. शॉर्ट. नहीं नहीं टू आर नहीं, ये शॉर्ट है तो सामने वाले को शॉर्ट कर देगा ये. हेलो, ये मिस्टेक नहीं करना. हेलो, ये शॉर्ट हो गया तो ई बाय आर ही आएगा ना इधर भी. यस सर. ई बाय टू आर नहीं आएगा, शॉर्ट हो गया. सो दिस विल बी द उनके इसमें तो कौन बड़ा है सबसे? आई टू इज ग्रेटर देन आई वन इज इक्वल टू आई थ्री. ऐसे आएगा. ये क्या लिखा गया? आई टू इज ग्रेटर देन आई थ्री. आई टू सबसे बड़ा है तो शॉर्ट हो जाएगा. ये शॉर्ट हो गया तो सामने वाला शॉर्ट हो जाएगा भाई. तो ई बाय आर ही आएगा. आई टू आई थ्री आई वन. अच्छा ये आर है यहाँ पर. सॉरी देयर इज अनदर आर ओवर हियर. व्हाट आई फॉरगॉट दिस थिंग. ये कितना हो गया? तो कितना हो गया ये?
I1 कितना हो गया, E by 2R हो गया, यहाँ पे एक R था ना, what is I1, E by 2R, what is I2, 2E by R, what is I3, कितना है, E by R, so who is bigger सबसे, ये आएगा, I2 is greater than I3 is greater than I1. Getting it? You just need to replace it by a short. And ध्यान रखना है कि अगर short हुआ तो सामने वाला कोई भी resistor रहेगा parallel में तो वो short हो जाएगा. Got it or not? Yes. We learned by 109. Sorry. Arpita, last question. Say, which of the following figures correctly depicts Glenn's law? The arrow shown in the movement of the label part of the pole coming near, and the circle part shows direction of the current. अच्छा ठीक है, easy है. कौन सा pole नजदीक आ रहा है पहले केस में, first diagram में? Which pole it will become? And direction of the current will be? Anticlockwise. जो भी डायरेक्शन ऑफ द करंट है वो बता देना, ठीक है, यहाँ पे बराबर एक्सप्लेन नहीं. अच्छा, यही कौन सा पोल है? South. तो which pole it will come, become? South. And direction of the current will be? Clockwise. So whatever answer is correct, you can do it. You know it. By which law it is? Lenz's law. The direction of the induced EMF is such that it opposes its own cause. Okay. So we have done till 110 तक हो चुका है, बाकी वो 7-8 सम तुम लोगों को करना नहीं है. You can do 118 and 19 and then we have finished off this chapter. So Sunday you all will have to 10 lectures based on what, sir? आपको आता ही रहेगा डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट पैरेललोग्राम लो व्हिच वी नीड टू ब्रश इट अप अगेन सो इट शुड नॉट बी दैट सर इज नॉट डन क्लियर है ना ये चीज बैठ जाना आप लोग लेक्चर ओके तो बैठ जाएगी तो आपका डन खुद से करने जाएगी तो नहीं होगा जस्ट सिट फॉर द लेक्चर द सर विल डू फटाफट फटाफट ठीक है चलो थैंक यू टेक केयर सो आर यू गिविंग अस अ ब्रेक नेक्स्ट वीक It is not possible because if I give you all the break, the portion will not get over. Portion will not get over. 7 days means you are extending 7 to 8 days. Getting it? Okay, sir. So possible nahi rahega generally. I'll give you holiday on the 10th and on Ganesh Chaturthi, but generally I thought about it. It is not possible. You understand my issue also over here. 4 days lecture is there, that also twice. Do time ho raha hai na Monday ko. अब सोचो कितना ज्यादा पोर्शन है तो रियली अंडरस्टैंड द सिचुएशन अदरवाइज आई वुड आल्सो लाइक हॉलिडे ऐसे नहीं है कि मुझे अच्छा नहीं लगता हॉलिडे राइट बट नहीं हो सकता है ठीक है तो यस सर नो प्रॉब्लम ठीक है चलो प्लीज बेयर विद मी थैंक यू वेरी मच आई एम सॉरी ठीक है चलो बाय थैंक यू सर थैंक यू सर